गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम इतिश्री मेहरा और आज हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे। बिकॉज ऑफ कोविड हमारी ऑफलाइन क्लासेस अब ऑनलाइन में कन्वर्ट हो चुकी है, तो स्टार्ट करते हैं और सब प्रॉपरली पढ़ेंगे। जो मैं मीनिंग लिखवाऊंगी वो अपनी बुक में मार्क करेंगे, एक पेंसिल लेके बैठना सब, ठीक है। जो जो मैं स्पेलिंग्स के मीनिंग आपको बताऊंगी वो आपको बुक में लिखने हैं, और अगर आपको लगे तो आप अपने नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। स्टार्ट करें। देखो, चैप्टर का नाम है फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, चैप्टर 9, पेज नंबर 55 निकालेंगे सब, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, हमें पता है कि कौन कौन से फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं, लाइक नेशनल फेस्टिवल्स, रिलीजियस फेस्टिवल्स, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। तो इन सब फेस्टिवल्स के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करें। सब ने अपनी बुक्स निकाल ली है, चलो स्टार्ट करते हैं। आफ्टर कम्प्लीटिंग दिस चैप्टर वी विल एबल टू नो अबाउट, क्या क्या जान, ये चैप्टर पढ़ने के बाद हम कौन कौन सी चीज़ें जानने में सक्षम होंगे। द इम्पॉर्टेंस ऑफ फेस्टिवल्स, मतलब फेस्टिवल्स की हमारी जो ज़िंदगी है उसमें क्या इम्पोर्टेंस है वो हम जान पाएंगे। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स सच एज नेशनल, रिलीजियस, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स मतलब अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स होते हैं। नेशनल मतलब होता है राष्ट्रीय, सब अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है। नेशनल मतलब होता है राष्ट्रीय, रिलीजियस मतलब होता है धार्मिक, और हार्वेस्ट मतलब होता है जो रिलेट करते हैं किससे, फसल से। मतलब जब हमारी फसलें कटने के लिए तैयार होती है उस वक्त पर या उस समय पर जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, फसल पकने की खुशी में या फसल पककर तैयार होने की खुशी में जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं वो कौन से फेस्टिवल्स होते हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल। आगे देखो, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। वास्ट मतलब इसमें क्या मतलब हुआ, विशाल। क्या मतलब हुआ, इंडिया एक विशाल देश है। इट इज़ फेमस फॉर इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड, ये किसके लिए, अनेकताओं में एकता। डाइवर्सिटी मतलब क्या हुआ, अनेकता या विभिन्नता, और यूनिटी मतलब होता है एकता। तो इसका मतलब हुआ इंडिया किस चीज़ के लिए फेमस है, अनेकताओं में एकता के लिए। मतलब यहाँ पर बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं पर, और बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, पर फिर भी सब लोग क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं, मतलब एकता से रहते हैं, और इसी चीज़ के लिए ये पूरे विश्व में फेमस है। आगे देखो, पीपल ऑफ मैनी रिलीजियंस लिव टुगेदर इन इंडिया सच एज हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, जैन्स, बुद्धिस्ट एक्सेट्रा। मतलब क्या हुआ, जो देखो बच्चों, दो वर्ड होते हैं, एक होता है रिलीजन और एक होता है रिलीजियस। रिलीजन मतलब होता है धर्म, जो यहाँ पर है, और रिलीजियस मतलब होता है धार्मिक, जो धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर काफ़ी सारे धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियंस मतलब ईसाई, जैन्स, बुद्धिस्ट एक्सेट्रा। All of them celebrate their festivals with great pomp and show. जो all of them मतलब वे सभी celebrate करते हैं their festivals, उनके festivals को, with great pomp and show, मतलब बहुत हर्ष। pomp मतलब होता है हर्ष, and show मतलब होता है उल्लास। इन दोनों का साथ में meaning क्या हुआ, हर्षो उल्लास। मतलब जो सभी धर्मों के लोग हैं वो अपने festivals बहुत हर्ष उल्लास के साथ और साथ में celebrate करते हैं। आगे बढ़ते हैं। दे सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल साइमल्टेनियसली विद ग्रेट जॉयज एंड प्लेजर्स। साइमल्टेनियसली मतलब क्या हुआ, साथ साथ। क्या मीनिंग हुआ इसका, साथ साथ। दे आर सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स साइमल्टेनियसली विद ग्रेट जॉयज एंड प्लेजर्स। जॉयज मतलब हुआ हर्ष, और प्लेजर्स मतलब खुशी या प्रसन्नता, ठीक है। तो क्या होता है, वो अपने साथ साथ अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं किसके, और क्या करते हैं, बहुत खुशी के साथ वो सब फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। दे डेकोरेट देयर होम्स, वियर न्यू क्लॉथ्स एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स। वो क्या करते हैं, अपने घरों को सजाते हैं और नए कपड़े पहनते हैं, और एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स, और वो क्या करते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे पैराग्राफ ख़त्म हुआ है अपना। और अब हम जो मैं बता रही थी कि तीन तरह के फेस्टिवल्स होते हैं, नेशनल, रिलीजियस एंड हार्वेस्ट, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, फेस्टिवल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। कितने टाइप्स है फेस्टिवल्स के, थ्री टाइप्स है। फर्स्ट नेशनल फेस्टिवल्स, सेकंड रिलीजियस फेस्टिवल, एंड थर्ड है हार्वेस्ट
फेस्टिवल्स, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में। तो नेशनल फेस्टिवल्स क्या हुए? द नेशनल फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड बाय द होल नेशन टुगेदर आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल्स। मतलब ऐसा फेस्टिवल जो पूरे राष्ट्र के द्वारा, नेशन मतलब क्या होता है, राष्ट्र या देश, क्या होता है नेशनल मतलब राष्ट्र या देश, सब अपने मीनिंग्स नोट करते जाएंगे, ठीक है। द फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड बाय द होल नेशन मतलब पूरे देश के द्वारा एक साथ मनाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, नेशनल फेस्टिवल या राष्ट्रीय त्यौहार। देयर आर थ्री मेजर फेस्टिवल्स। कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं, मेन कौन कौन से मेजर फेस्टिवल्स हैं, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती, ठीक है। स्टार्ट करें इंडिपेंडेंस डे से। तो देखो, इंडिपेंडेंस डे, द वर्ल्ड इंडिपेंडेंस मतलब होता है स्वतंत्रता या आज़ादी। जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी तो उस दिन को हम किस कौन से डे पे सेलिब्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो इंडिपेंडेंस डे को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, स्वतंत्रता दिवस, क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता दिवस। चलो आगे पढ़ो। 15th of August इज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे। 15th of August सब अंडरलाइन करेंगे। 15th of August इज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे, ओके। तो कब मनाया जाता है इंडिपेंडेंस डे, 15th of August, सबको याद होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा नेशनल फेस्टिवल है। तो देखो कब होता है, 15th of August इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। आगे देखो, इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15th of August 1947। इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ था, इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद कब हुआ था, 15th of August 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। ऑन दिस डे द प्राइम मिनिस्टर होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली एंड एड्रेसेस द नेशन। इस दिन क्या होता है, ऑन दिस डे, इस दिन पर द प्राइम मिनिस्टर हमारे प्रधानमंत्री होस्ट यानी फहराते हैं द नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग यानी राष्ट्रीय ध्वज, एट द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट लाल किला, रेड फोर्ट कहाँ पर स्थित है, दिल्ली के अंदर, इन दिल्ली। एंड एड्रेसेस यानी संबोधित करते हैं या बताते हैं द नेशन, हमारे राष्ट्र के बारे में या हमारे राष्ट्र को वो क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। सब अपनी मीनिंग लिखेंगे, एड्रेसेस मतलब संबोधित, होस्ट यानी फहराना, ठीक है। तो ऑन दिस डे मतलब इंडिपेंडेंस डे को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो क्या करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। कहाँ फहराते हैं, लाल किले पर फहराते हैं, और लाल किला कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑन दिस डे वी रिमेंबर ऑल दोज ब्रेव पीपल हु हैड सेक्रीफाइज्ड देयर लाइव्स फोट फॉर द फ्रीडम ऑफ आर कंट्री। इस दिन हम क्या करते हैं, रिमेंबर यानि याद करते हैं, क्या करते हैं, याद करते हैं। किनको याद करते हैं हम उस दिन, ऑल ऑफ दोज ब्रेव पीपल, ब्रेव मतलब बहादुर लोगों को, हु हैड सेक्रीफाइज्ड यानी बलिदान करना, देयर लाइव्स उनकी जिंदगी, फोट फॉर फ्रीडम जो हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ते हैं, ऑफ आर कंट्री हमारे देश के लिए। मतलब इस दिन हम किसे याद करते हैं, हम उन बहादुरों को या शहीदों को याद करते हैं जो क्या करते हैं, अपने जिंदगी बलिदान करते हैं अपने देश की आज़ादी के लिए, या जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बलिदान कर दी अपने देश की आज़ादी के लिए, ठीक है। कौन है वो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, और बहुत सारे ऐसे बहादुर सैनिक हैं या बहादुर लोग हैं जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए लड़े और हमें आज़ादी दिलाई। आगे पढ़ते हैं। इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड इन स्कूल्स, कॉलेजेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड बाय देयर प्राइवेट एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस। इंडिपेंडेंस डे या स्वतंत्रता दिवस कहाँ कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, गवर्नमेंट ऑफिसेस यानी सरकारी दफ्तरों में, बाय अदर प्राइवेट मतलब सब अपने निजी उस पर भी सेलिब्रेट करते हैं, निजी तरीके से उस भी उसको सेलिब्रेट करते हैं, निजी स्तर पर भी उसे सेलिब्रेट करते हैं, एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक भी या ऑर्गेनाइजेशंस मतलब बच्चों नोट कर लेना, संगठनों, क्या मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशंस मीन्स संगठनों या समुदायों द्वारा भी ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं रिपब्लिक डे के बारे में। सबने पेज नंबर 56 निकाल लिया, ठीक है, स्टार्ट करें।
चलो, दी रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस, इंडिपेंडेंस डे को क्या बोलते हैं स्वतंत्रता दिवस, और रिपब्लिक डे को क्या बोलते हैं गणतंत्र दिवस। ठीक है, आगे देखो, इंडिया बिकम अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन 26th of January 1950। मतलब ये हमारी जो लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है लोकतांत्रिक, मतलब क्या हुआ, पहले क्या होता था बच्चों, जैसे राजाओं का शासन हुआ करता था, एक राजा होता था और उन्हीं की जो संतानें होती थी वही आगे राज करती थी, पर अभी ऐसा नहीं होता है। अब क्या है, प्रजातंत्र या लोकतंत्र, मतलब लोगों द्वारा चुनकर एक प्रतिनिधि चुना जाता है या चुनकर भेजा जाता है और वही हमारे देश की सरकार चलाता है। मतलब यहाँ पे किसका राज है, अब यहाँ पर प्रजा का राज है, ना कि किसी राजा का। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक मतलब हो गया लोकतांत्रिक। इंडिया बिकम, और ये कब रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 26th of January। ठीक है, और ये कब बनकर तैयार हुआ था, 26th of January 1950। आगे देखो, वी सेलिब्रेट इट एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर। हम क्या करते हैं, 26 जनवरी को या 26th of January को रिपब्लिक डे हर साल मनाते हैं। दी फेस्टिवल इज मार्क्ड बाय अ स्पेशल परेड हेल्ड इन न्यू दिल्ली एट राजपथ। राजपथ में ये फेस्टिवल एक पर स्पेशल परेड यानी विशेष परेड के द्वारा हेल्ड मतलब आयोजित किया जाता है। मतलब इस दिन क्या होता है, दिल्ली के अंदर राजपथ में एक स्पेशल परेड आयोजित की जाती है। आगे देखो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स द सैल्यूट। मतलब जो इंडिया के जो राष्ट्रपति हैं वो क्या करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं। द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ आर कंट्री शो देयर स्ट्रेंथ इन दिस परेड। मतलब जो इंडिया की जो ताकत है या इंडिया की जो फोर्सेस है वो क्या करती हैं, अपनी ताकत वहाँ पर प्रदर्शित करती है। जैसे एयरफोर्स, नेवी, वो सब क्या करते हैं, अपने ताकतों का प्रदर्शन करते हैं। आगे देखो, देर आर सेवरल कलर्स टेबुलस ऑफ ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी आर शॉन इन दी रिपब्लिक डे परेड एट दिल्ली। मतलब क्या होता है, यहाँ पर कई कलरफुल टेबुलस मतलब होता है झांकियाँ, सब इसको लिखेंगे, टेबुलस मतलब क्या होता है झांकियाँ। तो प्रत्येक स्टेट अलग अलग कलर की या अलग अलग प्रकार की झांकियाँ वहाँ पर प्रदर्शित करते हैं उस परेड के अंदर। यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश शॉन इन दी रिपब्लिक डे परेड एट दिल्ली। मतलब वो सब क्या करते हैं, रिपब्लिक डे पर अपनी परेड शो करते हैं। आगे पढ़े, डांसेस ऑफ वेरियस स्टेट्स आर परफॉर्म्ड एंड हंड्रेड ऑफ स्कूल चिल्ड्रन ऑल्सो पार्टिसिपेट। मतलब क्या होता है, जो अलग अलग स्टेट होते हैं ना, तो विभिन्न यानी वेरियस यानी विभिन्न, तो अलग अलग स्टेट्स के विभिन्न तरह के डांस वहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं। और क्या होता है, बहुत सारे जो स्कूल होते हैं वो उनके बच्चे भी वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। चिल्ड्रन हु हैव बीन अवॉर्डेड फॉर एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी आर टेकन अराउंड ऑन एलिफेंट्स इन दिस परेड। मतलब क्या होता है, जो बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी बहादुरी दिखाने के लिए अवार्ड दिया जाता है उनको इस दिन पर। ठीक है, आगे देखो, सेलिब्रेशंस टू मार्क रिपब्लिक डे आर हेल्ड इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। मतलब जो ये जो त्यौहार है या जो रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस जो है, वो क्या करते हैं, रिपब्लिक डे के रूप में हेल्ड यानी आयोजित किया जाता है इन ऑल स्टेट, सारे राज्यों के अंदर, एंड यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर। चिल्ड्रन सेलिब्रेट रिपब्लिक डे बाय होस्टिंग द नेशनल फ्लैग इन स्कूल्स। मतलब जो बच्चे जो होते हैं या स्कूल लेवल पे जो विद्यार्थी होते हैं वो क्या करते हैं, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। कैसे सेलिब्रेट करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर, कहाँ पर, स्कूल्स के अंदर। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं गांधी जयंती के बारे में। गांधी जयंती, अच्छा गांधी जयंती 2nd of October को मनाई जाती है। ठीक है, और ये क्यों सेलिब्रेट की जाती है बच्चों, ये सेलिब्रेट की जाती है बिकॉज महात्मा गांधी जो हैं उनका जन्म हुआ था 2nd of October को, और जिनको हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं। ठीक है, पढ़े उनके बारे में, चलो पढ़ते
पढ़ना स्टार्ट करें। गांधी जयंती, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर। कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर, ठीक है। इट इज़ दी बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। किसका बर्थडे ये? महात्मा गांधी का, या किसका जन्म दिवस है? महात्मा गांधी का। द मैन फंक्शन इज हेल्ड एट द समाधि ऑफ महात्मा गांधी एट राजघाट इन न्यू दिल्ली। मतलब नई दिल्ली के अंदर राजघाट है, वहाँ पर महात्मा गांधी जी की समाधि बनाई गई है। वहाँ पर मुख्य फंक्शन होता है या मुख्य प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। द प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति, द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी, एंड अदर ऑफर्स प्रेयर्स एट दी समाधि। वो क्या करते हैं? वहाँ पर जाकर प्रेयर करते हैं या प्रार्थना करते हैं। प्रेयर मीटिंग्स आर हेल्ड ऑल ओवर दी कंट्री। मतलब प्रार्थनाएं की जाती हैं पूरी कंट्री के अंदर, क्योंकि महात्मा गांधी हैं जो वह हमारे राष्ट्रपिता भी हैं, तो उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन नेशनल हॉलीडे भी होता है और हर साल 2 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। अब एक नॉलेज के रूप में मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। द टाइटल महात्मा टू मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था बच्चों? मोहनदास करमचंद गांधी वॉज गिवन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी के नाम के आगे महात्मा वर्ड किसने लगाया था? गुरुदेव रविंद्रनाथ जी टैगोर ने, ठीक है। तो ये हो गए हमारे नेशनल फेस्टिवल्स। आगे बढ़ते रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में। रिलीजियस फेस्टिवल्स मतलब क्या हुआ बच्चों? ऐसे फेस्टिवल्स जो हमारे धर्मों से रिलेटेड होते हैं। लाइक हिंदू जो होते हैं वो कौन कौन से फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं? दिवाली, दशहरा, होली, ये सब, दुर्गा पूजा, ये सारे फेस्टिवल्स हिंदूज जो होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। उसी तरह मुस्लिम्स जो होते हैं वो करते हैं ईद उल फितर, ईद उल जुहा, मुहर्रम, ये सब सेलिब्रेट करते हैं। जो क्रिश्चियंस जो होते हैं या ईसाई लोग जो होते हैं वो कौन सा सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल? क्रिसमस डे, ठीक है। सिख जो होते हैं वो गुरुपूर्वा, एक त्यौहार होता है जो सिख या सरदार सेलिब्रेट करते हैं। और उसके अलावा जो बुद्ध धर्म से जो रिलेट करते हैं वो करते हैं बुद्ध पूर्णिमा। और जैन धर्म से जो लोग रिलेट करते हैं या उसके धर्मों को मानते हैं वो करते हैं महावीर जयंती। तो इन सब फेस्टिवल्स के बारे में हम डिटेल में अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेशनल फेस्टिवल्स हम पढ़ चुके हैं, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। अब आते हैं हम रिलीजियस फेस्टिवल्स पे, पढ़ना स्टार्ट करें। रिलीजियस फेस्टिवल यानी धार्मिक त्यौहार। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मैनी रिलीजियंस। जिससे मैंने आपको बताया था, 2 वर्ड्स होते हैं, रिलीजन एंड रिलीजियस। रिलीजन मतलब धर्म और रिलीजियस मतलब धार्मिक, ठीक है। तो इंडिया क्या है? बहुत सारे धर्मों का स्थान है या लैंड है। सो वी हैव मैनी रिलीजियस फेस्टिवल्स दैट आर सेलिब्रेटेड विद जॉय अक्रॉस द कंट्री। तो हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर बहुत सारे धार्मिक मैनी यानी बहुत सारे धार्मिक त्यौहार मनाए जाते हैं विद जॉय अक्रॉस द कंट्री। मतलब पूरे देश में बहुत ज़्यादा खुशी के साथ ये सारे सेलिब्रेट किए जाते हैं त्यौहार, ठीक है। दिवाली, फर्स्ट दिवाली के बारे में पढ़ें, ये तो सबको पता ही होगा। इट इज़ कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। ये किसका त्यौहार है? प्रकाश का त्यौहार है, ठीक है। क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, भगवान श्री राम रावण को मारकर अपनी अयोध्या वापस आए थे या अपने घर वापस आए थे। तो इसको क्या बोलते हैं? फेस्टिवल्स ऑफ लाइट्स। सब अंडरलाइन करेंगे, इट इज़ कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। आगे देखो, दिवाली और दीपावली मीन्स अ रो ऑफ लाइट्स। मतलब क्या होता है रो? मतलब होता है पंक्ति। क्या होता है रो मतलब बेटा? पंक्ति। तो दिवाली या दीपावली का मीनिंग क्या होता है? दीपों की या दियों की या प्रकाश की पंक्तियाँ। लक्ष्मी, लक्ष्मी जी क्या है? द गॉडेस ऑफ वेल्थ, धन की। गॉडेस मतलब देवी। क्या है लक्ष्मी जी? धन की देवी है या सुख और समृद्धि की देवी है। इज वर्शिप्ड ऑन दिवाली एट नाइट। कब पूजी की जाती है? इनके दिवाली के दिन इनकी
वर्शिप्ड मतलब होता है पूजा करना। क्या होता है वर्शिप्ड मतलब? पूजा करना। दिवाली की रात को लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। हाउसेज आर डेकोरेटेड विद अर्दन लैम्प्स कैंडल्स एंड लाइट्स। जो घर हैं वो किससे सजाए जाते हैं? मिट्टी के दियों से। अर्दन लैम्प्स मतलब मिट्टी के दिए। सब मीनिंग्स नोट करते जाएंगे, ठीक है। आगे देखो, कैंडल्स मोमबत्तियों से एंड लाइट्स, ठीक है। द विंटर सेट्स इन विद दिवाली। क्या होता है, दिवाली कब आती है? सर्दियों में आती है। चिल्ड्रन लाइक टू सेट ऑफ फायरवर्क्स एंड क्रैकर्स। बच्चे क्या पसंद करते हैं? सेट ऑफ मतलब छोड़ना पसंद करते हैं। क्या? फायरवर्क्स यानी आतिशबाजी एंड क्रैकर्स यानी पटाखे। आगे देखो, इट इज़ सेड दैट ऑन दिस डे लॉर्ड रामा रिटर्न्स टू अयोध्या आफ्टर किलिंग रावण। इस दिन ऐसा कहा जाता है, इट इज़ सेड दैट, ऐसा कहा जाता है, दिस डे, इस दिन भगवान श्री राम वापस आए थे, रिटर्न यानि वापस आए थे टू अयोध्या, अयोध्या आफ्टर किलिंग रावण, रावण को मारकर भगवान श्री राम वापस अयोध्या आए थे, और इसी खुशी में दिवाली सेलिब्रेट की जाती है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं दशहरे के बारे में, ठीक है। दशहरा, दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज द डे ऑन विच लॉर्ड रामा किल्ड रावणा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज विजयदशमी, ठीक है। इस दिन क्या हुआ था बच्चों? भगवान श्री राम ने रावण को मारा था, इसलिए दशहरा मनाया जाता है। और इसको क्या जाता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज विजयदशमी, मतलब इसको विजयदशमी भी कहा जाता है, या इस नाम से भी इसे जाना जाता है। आगे देखो, द विक्ट्री ऑफ गुड और ओवर ईविल। ईविल मतलब बुराई, ठीक है। तो इसको अच्छाई पर, सॉरी, बुराई पर अच्छाई की विक्ट्री यानी जीत। विक्ट्री यानी क्या होता है? जीत। इसको बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय बर्निंग दी एफिगीज ऑफ रावण, हिज सन मेघनाद एंड हिज ब्रदर कुंभकर्ण। कैसे सेलिब्रेट किया जाता है दशहरा? ये सेलिब्रेट किया जाता है रावण, उनके पुत्र मेघनाथ और उनके भाई कुंभकर्ण के एफिगीज, मतलब होता है पुतला। सब इसका मीनिंग लिख लेंगे, एफिगीज मतलब पुतला, उनके पुतलों को बर्निंग यानी जलाकर सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो हम दिवाली के बारे में पढ़ चुके हैं, हम दशहरे के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ते हैं मुस्लिम फेस्टिवल ईद उल फितर के बारे में, ठीक है। तो पढ़ते हैं, इट इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ द मुस्लिम्स। ये क्या है? मुस्लिम्स का मुख्य त्यौहार है। पीपल वियर न्यू क्लॉथ्स। लोग क्या करते हैं इस दिन? नए कपड़े पहनते हैं। दे फास्ट फॉर अ होल मंथ ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान, ठीक है। तो ईद उल फितर के पहले क्या आता है? रमज़ान का महीना आता है, और फास्ट मतलब व्रत करते हैं। तो पूरे महीने तक लोग व्रत करते हैं, रमज़ान के महीने में व्रत करते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है? ईद उल फितर आता है। दे गो टू द मॉस्क्यू टू ऑफर नमाज ऑन दिस डे। मॉस्क्यू मतलब होता है मस्जिद। तो इस दिन नमाज पढ़ने के लिए लोग मस्जिद जाते हैं और वहाँ पर नमाज पढ़ते हैं। दे ग्रीट वन अनादर। ग्रीट मतलब बधाई देते हैं। वो क्या करते हैं? एक दूसरे को इस दिन बधाई देते हैं ईद उल फितर की। चिल्ड्रन प्ले विद जॉयज एंड प्लेजर्स। मतलब बच्चे क्या करते हैं? खेलते हैं हर्ष और उल्लास के साथ। ईद उल जुहा एंड मोहर्रम आर दी अदर फेस्टिवल्स ऑफ दी मुस्लिम कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब होता है समुदाय। ईद उल जुहा और मोहर्रम क्या है? दूसरे फेस्टिवल्स हैं मुस्लिम समुदाय के, ठीक है। आगे देखो, आगे हम पढ़ेंगे क्रिसमस डे के बारे में। तो क्रिसमस डे वैसे आप सबको पता ही होगा कि 25th of December को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। और ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था या बर्थ हुआ था। आप सबको पता होगा ना सेंटा क्लॉज आते हैं, ठीक है। तो पढ़ना स्टार्ट करें उसके बारे में। चलो, क्रिसमस डे इट इज़ सेलिब्रेटेड एज द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट।
ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था. इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25th December एवरी ईयर. ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 25th December को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल. प्रेयर्स आर हेल्ड इन दी चर्चेज, मतलब चर्च में जाकर इस दिन प्रार्थनाएं की जाती है. गिफ्ट्स आर एक्सचेंज्ड, गिफ्ट्स दिए जाते हैं. ब्यूटिफुली डेकोरेटेड क्रिसमस ट्री आर पुट अप, मतलब जो क्रिसमस ट्री जो होता है उसको बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है. समवन ड्रेसेस अप एज सेंटा क्लॉज एंड डिस्ट्रीब्यूट्स स्वीट्स एंड गिफ्ट्स टू चिल्ड्रन. कोई एक जो होता है वो क्या करता है, सेंटा क्लॉज की तरह ड्रेसअप करता है या सेंटा क्लॉज बनता है और क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है बच्चों, बांटते हैं. क्या बांटते हैं? स्वीट्स यानी मिठाइयाँ या टॉफीज या चॉकलेट्स एंड गिफ्ट्स टू चिल्ड्रन. वो क्या करते हैं, बच्चों को क्या देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं और मिठाइयाँ देते हैं. ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे गुरु पूर्वा के बारे में जो कि त्यौहार है सिख धर्म का. तो चलो पढ़ना स्टार्ट करें. गुरु पूर्वा, द सिक्स सेलिब्रेट द बर्थडेज ऑफ ऑल देयर 10 गुरुज, मतलब सिखों के 10 गुरु हैं. ठीक है, तो उनका बर्थडे वो सेलिब्रेट करते हैं गुरु पूर्वा के दिन. दीज आर नॉन एज गुरु पूर्वा, सॉरी दीज डेज आर नॉन एज गुरु पूर्वा. ये दिन जो है जाना जाता है गुरु पूर्वा के नाम से. रिलीजियस प्रोसेशंस आर टेकन आउट, मतलब जो धार्मिक जुलूस जो है वो इस दिन निकाले जाते हैं. पीपल विजिट द गुरुद्वारास एंड ऑफर प्रेयर्स, मतलब जो लोग हैं सिख धर्म के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, इस दिन गुरुद्वारा जाते हैं और प्रार्थना करते हैं. लंगर्स एंड शरबत और स्वीटेंड ड्रिंक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट ऑल गुरुद्वारास, मतलब लंगर यानी एक बहुत स्पेशल तरह का फूड वहाँ पर दिया जाता है जिसे लंगर कहते हैं. शरबत या फिर कहें कोई भी मीठा ड्रिंक जो होता है वो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बांटा जाता है या दिया जाता है. कहाँ? एट ऑल गुरुद्वारास, गुरुपूर्वा के दिन सारे जो गुरुद्वारा होते हैं उन सभी गुरुद्वारों पर लंगर बांटे जाते हैं और शरबत या कोई भी मीठा शरबत वहाँ पर बांटा जाता है. आगे पढ़ें तो दुर्गा पूजा के बारे में हम पढ़ते हैं. इन वेस्ट बंगाल, कहाँ? वेस्ट बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प एंड शो. दुर्गा पूजा कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? वेस्ट बंगाल के अंदर, और बहुत हर्षोल्लास के साथ ये सेलिब्रेट किया जाता है. गोडेस दुर्गा इज वर्शिप्ड फॉर 3 days, जो देवी दुर्गा जो हैं उनकी पूजा की जाती है कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए पूजा की जाती है. ऑन द लास्ट डे, अंतिम दिन, द आइडियल ऑफ गोडेस दुर्गा आर इमर्ज्ड इन अ रिवर और सी. इमर्ज्ड मतलब बच्चों सब लिख लेना, इमर्ज्ड मतलब होता है मगन करना या उनको पानी के अंदर छोड़ना. तो लास्ट डे क्या होता है, वो उनको उसके अंदर मगन कर दिया जाता है. बुद्ध पूर्णिमा, द बर्थडे ऑफ गौतम बुद्ध इज सेलिब्रेटेड एज बुद्ध पूर्णिमा. जो गौतम बुद्ध है उनका बर्थडे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. क्या सेलिब्रेट किया जाता है? बुद्ध पूर्णिमा. आगे देखो, महावीर जयंती, द बर्थडे ऑफ लॉर्ड महावीर इज सेलिब्रेटेड एज महावीर जयंती. मतलब जो भगवान महावीर हैं जो जैन धर्म से रिलेटेड हैं उनका बर्थडे के रूप में क्या सेलिब्रेट की जाती है? महावीर जयंती. एक इधर हम आते हैं, साइड में एक कॉर्नर में एक ब्लॉक बना हुआ है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है. जैनिज्म, दिवाली मार्क द अटेंटमेंट ऑफ मोक्ष बाय लॉर्ड महावीरा इन 527 BC. मतलब जैन धर्म के जो लोग हैं उनके लिए दिवाली के दिन या दिवाली के रूप में मार्क की जाती है क्योंकि इस दिन 527 BC को क्या हुआ था, महावीर जयंती ने महावीर जयंती मनाई जाती है उस दिन के रूप में. और इस दिन भगवान महावीर ने मोक्ष अटेंटमेंट मतलब प्राप्त किया था. ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू एवरीवन, होप सो आप सब घर पे रहेंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे. थैंक यू.